धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहितिन सा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जैन सा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचती है, पहुंचाते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत सारी चीज़ें एक साथ घट रही हैं और इससे बहुत सारी साजिशें आपको समझ में आएंगी। हाल ही में पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ इस सब को लेके, अमृतपाल सिंह को लेके या सुखबीर बादल की जमानत को लेके, और उसके बाद पंजाब सरकार का जो एक्शन है, और इधर से अगर हम डेरा वाले एंगल से लेके तो 25 मार्च को ये नया भंडारा जो इजाद किया यूपी वाले बैरूपीए ने, नकली जो बाबा आया हुआ है, नकली बाबा थोड़ी बाबे हैं, तीन तीन बाबे हैं हनीप्रीत के द्वारा इजाद किए गए। तो उसने ये 25 मार्च का जो नया भंडारा इजाद किया है, जो डेरे में कभी होता नहीं था, वो क्यों किया? और इस सब में बहुत सारी प्लानिंग्स हैं और इस सब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिख नहीं रही, और जो एक एजेंडा हिडन होता है जिसे हम पॉलिटिक्स कह देते हैं, उस हिडन एजेंडे के आसरे ये सब अलग अलग मतलब शतरंज की बिसात है, एक तरह की बिछाई हुई, जितनी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उस बिसात को हम कोशिश करेंगे समझाने की, जिससे आपको समझ में आए भी ये सब नकली वाला नौटंकी जो डेरे में भी चली, ये एक पैरेलल क्या मसला है और दूसरा क्या है। अब पंजाब पुलिस अचानक से, या आप कहें भी जून जुलाई के अंदर, अचानक से एक आदमी आता है जो खालिस्तान की डिमांड करता है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा तबका कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। कुछ पेरेंट्स को होता है कि चलो एटलीस्ट हमारा बच्चा नशा छोड़ जाएगा, इन लोगों के साथ लग के कुछ एनर्जी लेगा, डिप्रेशन से रिलीव होगा, कोई नया रास्ता ढूंढेगा, रिलैक्स होगा, मतलब अपराध की तरफ नहीं जाएगा, नशों की तरफ नहीं जाएगा, बुरे काम नहीं करेगा। तो उस तरह का दबका भी जुड़ता है, मतलब एक मदद के आसरे, मदद के हिसाब से भी मदद मिल जाएगी। और दूसरा भी जुड़ता है भी चलो एक एजेंडा है, लेकिन इन सबके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट है भी आखिर एजेंडा है किसका और कौन चला रहा है और आखिर इसका आउटपुट क्या है। अब क्योंकि मुझे लगता है जितनी पिछले 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, खास तौर पे अकाली दल को लेके या सब जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद ये अमृतपाल वाला इशू तो सारा क्लियर हो गया है, लेकिन इससे एसोसिएटेड डेरे वाला इशू, क्योंकि हमारा मसला कोई अमृतपाल नहीं है, हमारा मसला कोई अकाली दल नहीं है, हम देखते हैं अपनी साध संगत को, हम देखते हैं हजूर महाराज जी के साथ जुड़ी जो साजिशें हैं उसको, और उसकी सच्चाई, और हजूर महाराज जी के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो धक्का कह देते हैं पंजाबी में हो रहा है, वो सब चीज़ें हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझो इस चीज़ को, ये किसी को किसी से छुपा नहीं है, और आमतौर पे देश की लगभग हर राजनीति को जो समझते हैं, हर तरह का वर्ग इसको समझता है भी, रूलिंग पार्टी जो भाजपा है उसका एक एजेंडा है कि हिंदूवादी पार्टी है, प्रो हिंदू पार्टी है, भी हिंदुओं के पक्ष में बोलने वाली पार्टी है, या ये कह सकते हैं भी हिंदू आइडियोलॉजी के साथ चलने वाली पार्टी है, और उस पार्टी के जो इधर सेटअप, जो आईटी सेल चलता है, सब कुछ है, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, एक धारणा कह सकते हैं बनाने की कोशिश करता है कि हिंदू खतरे में है इस देश में, और हिंदू खतरे में है तो उसको बचाने के लिए एक ही पार्टी उपलब्ध है और वो है भारतीय जनता पार्टी, और यही चीज़ वो इलेक्शन में भी इनकैश करते हैं भी, जब इलेक्शन आएगा तो आपके इलाके में कोई ऐसी वारदात जो मुसलमानों ने की होगी, वो वारदात अचानक से हाईलाइट हो जाएगी, जिसको जो मुसलमानों से अटैच की जा सकती होगी, और जो मुसलमानों के साथ हुई होगी उसमें हिंदुओं का पॉजिटिव पक्ष भी मीडिया में रिफ्लेक्ट होने लगेगा इलेक्शनों के आसपास, ताकि ये सारा इलेक्शन एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम पोलराइज हो सके। पंजाब में जबकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम उतना नहीं होता है, तो वहाँ सिख वर्सेस डेरा होता है, सिख वर्सेस हिंदू बनाया जाता है एक तरह से, वो मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है, और ये एक प्रक्रिया चलती है ये देश की राजनीति में, इससे कहीं छुपी नहीं है। अब क्योंकि सिख वर्सेस डेरा और सिख वर्सेस एनीवन एल्स, ये एजेंडा पैरेलल टू बीजेपी अकाली दल का पंजाब में चलता है, और 2007 से जब हम देखें भी, 2007 में किस तरह से अकाली दल और डेरा का जो पॉलिटिकल विंग, जगजीत सिंह एंड जोरा सिंह पार्टी जो भी थे, ये डेरा सिख दंगा जब प्लान हुआ 2007 में, सांप्रदायिक दंगा, उसके बाद फिर 2015 तक आते आते बरगाड़ी कांड हुआ, और ये सब चीज़ें जो कि वो किसी से छुपी नहीं है,
वो अलग बात है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस मैनेज हो जाती है, पर प्रैक्टिकली हम चलें भी ठीक है, अभी एक रूलिंग पार्टी का एजेंडा था अभी डेरा से सिखों को अलग करना या सिखों को डेरा से अलग करना, वट एवर जो भी कह लो, और उस एजेंडा में कामयाब नहीं रहे, लेकिन काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं भी उन्होंने ये इम्पैक्ट छोड़ने की कोशिश की भी थोड़े फैनेटिक माइंड के हैं, मतलब कट्टरपंथी हैं, भी उनके अंदर ये बात घुसाने की कोशिश की भी डेरा सिखों का दुश्मन है। अब दुश्मन है तभी तो दूसरा मसीहा बन के आएगा बचाने वाला। ये सब चीज़ें चली और आज की स्टेज पे आओ, 2017 में, अगस्त 2017 में जो सब कुछ हुआ सबको पता है भी, एडम ब्लॉक ने कैसे पंचकुला दंगा प्लान किया वो अलग बात है, पुलिस ने साबित करना है, कोर्ट में नहीं करना, क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रोसीडिंग्स पंचकुला की देख रहे हैं उसमें ये है भी पिछले चार पांच पेशी, तीन चार पेशियों से ये भी हनी, मतलब कहना जैसे जब कोई पेशी चलती है कोर्ट में, मान लो मैं आरोपी हूँ और मेरे खिलाफ गवाह हैं, तो जब पेशी चलती है तो कोर्ट में जब गवाहियाँ हो रही होती हैं, ऐसे में आरोपी का कोर्ट में पेश रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब गवाह है वो कैसे कोरिलेट करेगा वकील आरोपी के साथ, तो आरोपी को बकायदा कटघरे में खड़ा रखा जाता है और दूसरे कटघरे के अंदर गवाह आते रहते हैं जाते रहते हैं, इस तरह से चलता रहता है, तो कुछ ऐसा ही सिलसिला होता है। लेकिन अब जब पंचकुला दंगे की प्रोसीडिंग्स हम देखते हैं, अब आप क्योंकि हम सब भूल गए हैं कोर्ट में कौन जाता है कौन नहीं जाता कोई मतलब नहीं, लेकिन पिछले तीन चार पेशियों से हमने एक चीज़ देखी कि कोर्ट जो पंचकुला कोर्ट लग रही है वहाँ पे हनीप्रीत आती ही नहीं है, कोर्ट में आती है सिर्फ साइन करने या आएगी तो आधा मिनट के लिए, पिछले तीन पेशियों से तो वो आई ही नहीं है। अब कोर्ट में उसकी अटेंडेंस कैसे लग जाती है ये पता नहीं, लेकिन वो हम फुल टाइम बैठ के हमने वहाँ पे देखा है, और अगर वो आती भी है तो सिर्फ आधे मिनट के लिए साइन करती है जाती है, जबकि कोर्ट का प्रोसीजर ये कहता है कि जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है और कोर्ट अगली तारीख ना दे दे तो आप कोर्ट को छोड़ नहीं सकते, लेकिन हनीप्रीत के लिए ये कानून नहीं है। इट मीन्स क्या है, हनीप्रीत इज ऑल अबाउट द कोर्ट एंड गवर्नमेंट, वट एवर जो भी हम कह लेंगे। अब ये प्रोसेस चल रहा है, 2017 में दंगा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें पैसिव होती गई, ठंडी पड़ती गई, 2019 में अचानक से हनीप्रीत जेल से बाहर आ जाती है, ऑल ऑफ ए सडन जैसी हरियाणा सरकार बनती है भाजपा जजपा गठबंधन के साथ, अचानक से हनीप्रीत की देशद्रोह की और उसके साथ के सारे बंदों की देशद्रोह की धाराएं टूटने लगती हैं। मतलब आप छोड़े भी स्ट्रेट आर्ग्यू ही नहीं करता इस बात पे कि भी धारा नहीं टूटनी चाहिए कोर्ट के अंदर, और वो धारा टूट जाती है और इन सबको जमानत मिल जाती है, क्योंकि दो दो साल ये जेल में रह चुके हैं, जमानत मिलती है। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर दिल्ली के अंदर एक सांप्रदायिक दंगा होता है, और जो दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगा होता है उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल पंचकुला दंगे वाले पैटर्न के जैसा होता है। अब ऐसे में क्योंकि पंचकुला दंगे की जांच प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन जो पंचकुला दंगे का पैटर्न भी ये कहता है, भी कुछ लोग ऐसे थे जो मुंह बांध के नकाबपोश आए थे, जिन्होंने बहुत सारी मीडिया की भैंस जलाई और अचानक से वो गायब हो गए, और उनको 1 घंटे का विंडो दिया गया भी ये काम करके निकल जाना है, और उस विंडो के अंदर पुलिस ने कुछ नहीं किया, उसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। ये सब चीज़ें पंचकुला में भी हुई, हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आएंगी नहीं, क्योंकि वो आपको पता ही है भी, आप हरियाणा और गुजरात को एक पैटर्न पे आप तोल सकते हो आज की डेट में। अब सेकेंडरी जब दिल्ली का पैटर्न भी बिल्कुल हमारी हिसाब से बिल्कुल वैसा ही था, और उस सब में पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आता है, अभी 300-400 लोग ऐसे थे जो बाहर से आए, दंगा किया, लोगों को मारा और गायब हो गए। अब ना इन्वेस्टिगेशन जब दिल्ली पुलिस ने की, एनआईए ने की, सब ने की, भी इस साजिश के पीछे है कौन, तो अभी तक वो 300 लोगों को भेजने वाला और उनको वापस से गायब कर देने वाला व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में पुलिस में कहीं नहीं आया। लेकिन इस सब में एक चीज़ आई कि दंगे वाले तारीख को एडम ब्लॉक ने अखंड सिमरन का प्रोग्राम जिला स्तर पर रखवाया और उसके अंदर हजारों लाखों लोग जुटे, लेकिन वो प्रोग्राम दिल्ली में नहीं रखवाया, हरियाणा पंजाब और यूपी में फोकस किया गया ज़्यादा, राजस्थान में भी पैसिव था। शाम को 5 बजे प्रोग्राम शुरू होता है और अगले दिन शाम को 5 बजे तक रहता है, और इसी दरमियान सबसे ज़्यादा हत्याएं दिल्ली के दंगे में होती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, किसी को मोबाइल फ़ोन लेके नहीं आना, मतलब 24 घंटे के लिए एक तरह से आप गवर्नमेंट की सर्वेलेंस से बाहर हो गए, आपने अपनी दुकान बंद करी है, आपने अब नौकरी पर नहीं गए और आप जाके खंड सिमरन के प्रोग्राम में शामिल हो गए, ये सब किया। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी भी अखंड सिमरन में आने वाले लोगों का डाटा बनाया गया, भी लिखित में डाटा किस लिए बनाया गया, और बाकायदा हनीप्रीत ने ये व्हाट्सएप के जरिए आईटी विंग ने घोषणा की
भी जेल से हजूर महाराज जी ने हुक्म किया है भी जो बंदा इस अखंड सिमरन में शामिल होगा उसको हम अपने बाहर आने की तारीख बताएंगे, और इस वजह से इस ग्राउंड के ऊपर आस्था के नाम पे लोगों को बुला लिया गया और लाखों लोग आए भी, कोई दोराए नहीं। इसी 24 घंटे के बीच में दंगा हो जाता है। तो क्या हम ये क्वेश्चन हमने उठा दिया अभी आखिर, ये अखंड सिमरन तो डेरे का कोई रूल था ही नहीं, अखंड सिमरन तो पहले कभी होता ही नहीं था, उल्टा पिता ही तो इसके खिलाफ थे, फिर ये अचानक से कहाँ से आया और क्यों आया, और इसको जिला स्तर पे करवाया गया तो ठीक है लेकिन रिकॉर्ड क्यों मेंटेन किया गया इसका, एक एक आदमी का भी कौन आया और कौन गया, इसका मतलब क्या था भी इस, ये एक सर्विलेंस ब्लैकआउट कहते हैं पुलिस की भाषा में भी, आप लाखों लोग अचानक से ऐसी सर्विलेंस से बाहर हो गए भी अगर पुलिस इनको टटोलना चाहे भी 24 घंटे में कहाँ कहाँ गए तो पुलिस टटोल नहीं सकती इस तरह से। तो उसमें 300 लोग ऊपर नीचे कहीं चले गए तो हम कह सकते हैं भी कवर अप हो सकता है, लेकिन कह सकते हैं भी हम इत्तेफाक है भी इधर प्रोग्राम रखा उधर दंगा हो गया, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जब पिताजी का ऑर्डर तो सबके लिए था हनीप्रीत के हिसाब से, तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं रखा। उसके बाद इससे इंटरेस्टिंग बात ये थी भी 16 घंटे बाद, 5 बजे शाम को शुरू हुआ हरियाणा पंजाब में 5-6 बजे, 16 घंटे बाद सुबह 8 बजे अगले दिन यूपी में शुरू हुआ, और इसी 16 घंटे के बीच में ही वो हत्याएं हुई। अब यूपी में 16 घंटे बाद क्यों शुरू हुआ, तो यहाँ से कड़ी जुड़ गई भी कोई बंदा हो सकता है हरियाणा पंजाब से दिल्ली में दाखिल हुआ, वारदात करने के बाद वो यूपी में एंटर हो गया और यूपी में भी वही रिकॉर्ड चढ़ा, यहाँ तक भी कह लो इत्तेफाक होगा। लेकिन उसके बाद वहाँ के इंटेलिजेंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए 2 दिन बाद यूपी का जो सच कहूँ एडिशन है उसमें यूपी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को 50 गुना बढ़ा दिया, जो अखंड सिमरन में मान लो पहले 100 आदमी शामिल हुए थे तो 50 गुना करके 5,000 बना दिए वो अखबार के रिकॉर्ड में, मतलब वहाँ के इंटेलिजेंस को भी डिस्ट्रैक्ट किया भी ठीक है ये बंदे तो पूजा पाठ के लिए आए थे। लेकिन अब ये मसला पहुँच गया पुलिस के रिकॉर्ड पे, कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी, आखिर ये सर्विलेंस ब्लैकआउट क्यों किया गया। अब अखंड सिमरन को सही साबित करने के चक्कर में इन्होंने फर्जी चिट्ठियाँ निकाल दी कि जी अखंड सिमरन सही था, और एक ने 12 चिट्ठियाँ निकाल दी। अब वो चिट्ठियों वाला मसला भी हाई कोर्ट में पहुंच गया, ये चिट्ठियाँ ही फर्जी हैं। जब चिट्ठियों वाला मसला हाई कोर्ट में पहुंच गया तो सरकार बार 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 टाल करती रही और हाई कोर्ट तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख देती चली गई। जब 1.5 साल ही सबको हो गया तारीख देते हुए, तो उसके बाद क्या हुआ भी, कह भी ये तो वैसे टलेगा नहीं, तो क्या हुआ भी फिर तब ये नकली जूपी वाला लाया गया जो बैरूपिया है। अब इसने आते सार सबसे पहले इसी बात का कन्फेशन दिया भी अखंड सिमरन मैंने कहा था रखने के लिए भी। इसको इतनी आफत क्यों थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड पे, दिल्ली की कोर्टों के रिकॉर्ड पे ये अखंड सिमरन दिल्ली दंगे का बेस था भी, दिल्ली दंगे में इस अखंड सिमरन की आड़ में दंगा ही सप्लाई हुए। अब क्योंकि हनीप्रीत के पास 2017 का एक्सपीरियंस है, हनीप्रीत या उसकी पूरी टीम कह लो डेरा के प्रबंधकों के पास, तो क्या ये कड़ी एक साथ जुड़ गई भी 19 के अंदर हनीप्रीत का बरी होना और जेल से बाहर आना, और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर उसका दंगा प्लान करके दंगा कर देना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है भी जेल से बाहर आने के बीच में और दंगा होने के बीच में सरकार के पास 35 अलग अलग एप्लीकेशनें पहुंची भी हनीप्रीत और उसका ग्रुप एक बड़ी साजिश प्लान कर रहा है, क्या कर रहा है मालूम नहीं लेकिन वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। ये अलर्ट सरकार के पास, अलग अलग अलर्ट सरकार के पास ऑलरेडी थे और ये हमारे जैसों ने ही भेजे थे, क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता चल रहा था भी ये प्लानिंग्स हो रही हैं। जिस तरह से पंचकुला दंगे को लेकर गुप्त मीटिंगें चलती थी उसी तरह से उस टाइम भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें इग्नोर हो गई। अब ये यूपी वाला आ गया और इस यूपी वाले के जरिए इस अखंड सिमरन वाले पैच को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन साइड बाय साइड दूसरा प्लान भी चल रहा है। दूसरा प्लान क्या चल रहा है, अभी हिंदू खतरे में है, और किससे खतरे में है, या तो मुसलमान से है या फिर सिखों से है। तो ये पैटर्न पैरेलल चल रहा है और इसी पैटर्न को हम, ये पैटर्न तो एक अलग चल रहा है, अब इसी पैटर्न को दूसरी तरफ से जो यूपी वाले बैरूपिया की असलियत जान गए और गवाह बन सकते थे और इनके हिसाब से नहीं चले, वो धीरे धीरे मरने शुरू हो गए। 3 ऐसे काम, पहला डेरे की एक डॉक्टर, डेरे के हॉस्पिटल की एक डॉक्टर जो कहने को ऑन रिकॉर्ड डेरा के हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पे थी, वो ड्यूटी कर रही है लेकिन उसकी डेड बॉडी मिलती कहाँ है, सड़क के ऊपर एक एक्सीडेंटल गाड़ी के अंदर, और 2 बंदों को एक्सीडेंट होता है, एक उसमें मर जाती है और एक को खरोंच भी नहीं आती, एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो भी आता है सामने। वो डेरे की हॉस्पिटल की डॉक्टर जो वैसे तो वो मौके पर ड्यूटी पे थी लेकिन उसकी डेड बॉडी वहाँ कैसे पहुँची ये पता नहीं, सस्पिशियस था। दूसरा अजीत सांगवान, सतब्रह्मचारी डेरे का, जो पिताजी का सुरक्षाकर्मी था, ये आदमी यूपी जाता है अजीत सांगवान,
और वहाँ इसको पता चलता है सबके बारे में, वो अपने जितने करीबी हैं उनको बता देता है, फिर वो उसके सबूत इकट्ठा करता है। जैसे ही एडम बुलॉक को पता चलता है अभी ये सबूत जमा कर रहा है, वो इसका फ़ोन छीन लेते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं, ये वहाँ से जान बचा के भाग जाता है। फिर ये लोगों से संपर्क करता है भी, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे बचाओ, मैं कहाँ जाऊँ। और फिर ये तरीके से कहीं जहाँ भी जाता है, लेकिन थोड़े दिन बाद इसकी डेड बॉडी मिलती है जयपुर के आसपास किसी गांव के रेलवे ट्रैक के ऊपर कटी हुई, जो बताया जाता है भी डेड बॉडी ट्रेन ने ख़राब कर दी। अब वो कहते हैं भी या तो ये सुसाइड है या फिर ट्रेन से झगड़ा हो गया, ट्रेन में से किसी ने नीचे फेंक दिया। अब आमतौर में डेरे में जो कहानी बनाई गई वो ये था भी ट्रेन में झगड़ा हुआ और ट्रेन से किसी ने नीचे फेंक दिया झगड़े में, लेकिन वहाँ बात ये आई भी अगर ट्रेन से झगड़ा हुआ और ट्रेन से नीचे फेंका तो पटड़ी के अंदर कैसे घुस गया आदमी, वो तो सट बाहर गिरना चाहिए था। चलो जो भी था, अजीत सांगवान की मौत अपने आप में बड़ा सस्पेंस बन गई, और सुनने में आया कि अजीत सांगवान के जितने भी साथी ब्रह्मचारी थे वो डेरा छोड़ के, हर जगह से छोड़ के गायब हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं, कुछ कहते हैं जी विदेश में भाग गए। वो क्यों भाग गए, इसका मतलब उन्हें सब कुछ पता है भी अजीत सांगवान के साथ क्यों कैसे हुआ। तीसरा आदमी था एक अशोक मसाले नाम से मशहूर, ये डेरे के अंदर ही रहता है। आपको ध्यान हो थोड़े टाइम पहले, 2-3 साल पहले एक पैरोल लगाई गई शाही बेटी की तरफ से कि जिस पिताजी ने शाही बेटी के ब्याह शादी में शामिल होना है और उसके लिए पैरोल दी जाए, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी। फिर उस शाही बेटी ने कोर्ट में अलग से एप्लीकेशन लगाई, वो भी रद्द हो गई, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार उसका। तो उसका ससुर, उस शाही बेटी का, वो क्या बहुत पैसे वाला आदमी, उसका एक बड़ा अच्छा खासा बिजनेस है पटियाला के अंदर, वो बरनावा डेरे में गया हुआ है अकेला और वो वहीं रहता था। अचानक से खबर आती है सुबह 4 बजे की, वो गुजर गया, लेकिन डेड बॉडी मिलती है किसी लॉज से, किसी रेस्ट हाउस या लॉज या होटल कह सकते हैं बागपत के, और वहाँ से वो डेड बॉडी पटियाला आ जाती है और पटियाला के मेडिकल कॉलेज में डोनेट हो जाती है। लेकिन भारत के अंदर कानून नाम की बड़ी अच्छी चीज़ है, उस कानून से बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। क्या है कि भारत के कानून में आप इस तरह से गाड़ी में डेड बॉडी लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर हर एक आदमी के पैदा होने का रिकॉर्ड है तो हर एक आदमी के मरने का रिकॉर्ड भी पूरा प्रॉपर पैटर्न से होता है। मान लो आपके घर में कोई नेचुरल डेथ हो जाए, आप शमशान घाट में जब जाएंगे तो कौन व्यक्ति है जो उस डेथ को डिक्लेयर करेगा भी ये बंदा वाकई में मर चुका है और नेचुरली मरा है, किसी ने मारा नहीं है। तो या तो आप हॉस्पिटल से लिखवाओगे या फिर पंचायत कन्फर्म करती है और बाद में सर्टिफिकेट आपको शमशान घाट देता है भी ठीक है जी यहाँ पे डेथ हुई और ये सब है, उसके बाद आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हो। लेकिन अशोक मसाले की मौत हुई डेरे के अंदर या डेरे के कॉम्प्लेक्स में या डेरे वहाँ पे वो अकेला था, या फिर मान लीजिए कि होटल में हुई, मतलब एक पब्लिक प्लेस पे उसकी डेथ हुई। अब कॉज ऑफ डेथ कौन बताएगा, डॉक्टर, लेकिन वहाँ तो किसी डॉक्टर के पास उसे ले जाया नहीं गया, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, और जब डॉक्टर के पास पब्लिक प्लेस पर नहीं ले जाया गया तो क्या करेगा होटल वाला, वो बुलाएगा पुलिस को कि भैया मेरे यहाँ पर डेथ हो गई, अब कल को ये इसके परिवार वाले मर्डर ना बता दें भी, आप इसका पोस्टमार्टम करके देख लो, मैंने नहीं मारा ऐसे। तो बिना पोस्टमार्टम के पब्लिक प्लेस पे हुई डेथ को कि डेड बॉडी आपको नहीं मिलेगी कानून के मुताबिक, वो डेड बॉडी का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है डेड बॉडी के डेथ होने का और उसको ट्रांसफ़र करने का, तो आप बागपत से वो बॉडी पटियाला आ ही नहीं सकती थी बिना डॉक्यूमेंट के। लेकिन पटियाला आके क्योंकि वो शमशान घाट में लेकर गए होंगे, शमशान घाट ने मांगे कागज, तो कागज उनके पास हो नहीं सकते क्योंकि कागज दिए नहीं किसी ने, तो उन्होंने उसको घर पे नेचुरल डेथ बना के पटियाला के मेडिकल कॉलेज में बॉडी डोनेट करवा दी तरीके से सेटिंग करके सरकारी में। अब तो बॉडी डिकम्पोज होगी, जो कुछ भी हो गया उसके अब कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन ये तीन ऐसी घटनाएं थी, ऐसी डेथ थी जो संदेह पैदा करेगी, और उसके बाद से अचानक से डेरे के अंदर से सारे साधुओं के मोबाइल फ़ोन ले लिए गए, उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना ही बैन कर दिया उनका। क्यों बैन कर दिया, क्योंकि जो काम अजीत सांगवान ने किया वो काम कोई और ब्रह्मचारी ना कर दे। फिर इन सारे सत ब्रह्मचारियों का यूपी वाले से मिलवाना बैन कर दिया, इसको नज़दीक से किसी से मिलवाना ही नहीं है, सबको ऑनलाइन मिलवाओ उस पे स्क्रीन पे। नज़दीक से कौन मिलेगा, जो 40-50 हज़ार रुपये खर्चेगा, वो भी अंधेरे में, उजाले में नहीं, दिन के, वो भी आपको बताएंगे कैसे। ये सारा पैटर्न चल रहा है। अब पैरेलल क्या, क्योंकि ये एजेंडा तो एक हो गया जो दिल्ली दंगा को छुपाने के लिए सब कुछ किया गया, दूसरा एजेंडा क्या है अब, क्योंकि इसमें उस नकली वाले को लॉन्च करने में बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, किसी एक का फ़ायदा तो नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा चाहिए, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का भी फ़ायदा चाहिए, उसमें धार्मिक लीडरों का भी फायदा, सबको अपना अपना फ़ायदा देखना है। अभी जिसको ये साजिश समझ में आ रही थी वो अपना अपना फ़ायदा निकालेगा। तो फिर अब यूपी वाले के ऊपर बहुत सारे बोझ थे भाई, अब उसको बीजेपी को भी राजी करना है और धार्मिक लीडरों को भी राजी करना है,
और सिखों को, मतलब जो सिख लीडर हैं बादल जैसे बंदे, अकाली दल, उसको भी राजी करना है, तो सबके लिए मुद्दे भी क्रिएट करने हैं। तो उसने आके क्या किया, यही काम किया, जी मैं तो हिंदूवाद हूँ भैया, 12,000 साल पहले हिंदुओं के वेद थे और हिंदू धर्म आ गया खतरे में, हिंदू के देवी देवताओं का मजाक बनता है और हिंदू खतरे में है। और यही एजेंडा वो भाषा बोलने लगा, किसकी, रूलिंग पार्टी की, कि भैया हिंदू खतरे में, ये भाषा उसकी चल पड़ी। और उसने जो गुरु ग्रंथ साहब, जैसे पिताजी क्या कहते थे, पिताजी सिख गुरुओं के और गुरु ग्रंथ साहब के बहुत सारे वाक्य समझाते थे आमतौर पर, गुरु गोविंद सिंह की तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते पिताजी भी, ये देखो कैसे कैसे उन्होंने अपने शिष्यों के जरिए बड़े बड़े काम किए। लेकिन ये सारी चीज़ें उसने छोड़ दी, उस सिर्फ हिंदू पर फोकस कर लिया। उसके गिनती के 2,000 पॉइंट, DNA, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर शुरू हो गया, उसके बाद डिप्रेशन, उस मतलब गिनती के पॉइंट भी, आपसे लड़ाई झगड़ा, बस आध्यात्मिक लेवल की कोई चीज़ नहीं थी। जबरदस्ती कोशिश की, लेकिन वहाँ वो बहुत सारे श्लोकों में गलती करने लग गया, क्योंकि धार्मिक नॉलेज थी नहीं उसे, तो वो वहाँ फंस गया। तो यहीं तक चलता रहा सीमित। पैरेलल क्या हुआ, इधर से अमृतपालन ग्रुप पार्टी खड़े हो गए और बरगाड़ी वाला मसला बेस बना लिया। उसमें फिर यूपी वाले ने सिखों को चैलेंज करना शुरू कर दिया, अभी तुम अपना धर्म सुधारो, मैं अपना कर रहा हूँ काम। वो जो चैलेंज शुरू हुआ, वहाँ से और मामला बिगड़ना शुरू हो गया, तनाव पैदा हो गया कि अब लड़ाई हुई कि अब लड़ाई हुई। जब ये सब कुछ हो गया, धीरे धीरे यूपी वाले ने जामा हिंसा बंद करना, कभी कभी लॉकेट नहीं पहनना, धीरे धीरे वो सारी निशानियां पिताजी की खत्म करनी शुरू की, जो लोगों के अंदर पिताजी की याद को पैदा करे। तो मतलब उसका सारा फोकस यूपी वाले पे आ जाए, इसलिए क्या अभी पिताजी की कोई बात याद ही ना रहे, जैसे भंगी, कोई भी पिताजी की चलाई हुई स्कीम हो, कुछ भी हो, सब बंद करके नवी तरह से चला दिया, नई तरह से जिम्मेवारों का पैटर्न, नई तरह से ट्रस्ट के प्रबंधक, नई तरह से प्रबंधकीय पैटर्न, नई सारी टर्मिनोलॉजी बदल दी, प्रेमी सेवक बन गया जी, स्वयं सेवक बन गए, 85 मेंबर हो गए, उसके बाद बुजुर्ग समिति का नाम भी बदल दिया, शाही परिवार तक का नाम भी बदल दिया। तो ये सब हुआ, और क्योंकि शाही परिवार ये सारी असलियत उजागर कर देता, इसलिए शाही परिवार को बेदखल ही कर दिया एक तरह से। और कारण क्या बताया जी, हनीप्रीत शाही परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी, पिताजी हिस्सा देना चाहते थे, शाही परिवार देना नहीं चाहता था, इसलिए पिताजी ने शाही परिवार को बेदखल कर दिया। ये एक कहानी बना के प्रस्तुत कर दी, और जितना जिनका दिमाग है वहीं तक। अब एडम ब्लॉक क्या कर रहा है, एडम ब्लॉक ने 15 से 25 साल के लोगों को, ज़्यादातर लोगों को जिम्मेवार बना दिया, जिनका ना तो जिनको डेरे की हिस्ट्री नहीं पता, जिनको समाज के अंदर डेरे का रोल नहीं पता, डेरे के साथ जुड़े हुए विवाद नहीं पता, और डेरा किस तरह से डेरे के नाम से लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है। इमेच्योर लोगों को, मतलब एक बड़े प्रबंधकीय ढांचा में ला के, जो पुराने चालाक लोग थे, वो पीठ पीछे उनको चाबी कस के चला रहे हैं, मतलब वो खुद नहीं चल रहे, बस वो चेहरा वो है। मान लो कल को कुछ होता है तो फंसेंगे कौन, जो नए बने प्रबंधक हैं, नए बने जिम्मेवार हैं। पुराने वाले क्या है, राजनीतिक विंग डिजॉल्व कर दिया, 45 मेंबर यूथ डिजॉल्व हो गए, सिर्फ 85 टोटल रह गए। ये सब क्यों डिजॉल्व हुए, जितने भी साजिश करता थे ये पर्दे के पीछे चले गए, अब नए मोहरे आगे खड़े कर दिए, और ये चीज़ इन्होंने नेताओं से सीख ली। अब पैटर्न क्या है कि 25 तारीख को आज की स्टेज में, अब तो अमृतपाल भाग गया, लेकिन क्या अभी अमृतपाल भाग गया, लेकिन जिस तरह से अकाली दल की, जैसे ही ये कोटकपूरा वाले मसले में जमानत हुई, अकाली दल के लीडर मैदान में उतर गए बादल की जमानत के बाद, अभी सारे मैदान में उतरे तो समझ में आ गया अभी अमृतपाल के साथ जितना भी एजेंडा जुड़ा था, उस सबके पीछे वास्तव में अकाली दल था और SGPC थी, और ये सारी चीज़ें अब कोरिलेट होने लगी। इस सब के बीच जो लोग अभी गिरफ्तार हुए पंजाब में, तो अभी यहाँ पे सिख इनसिक्योरिटी पैदा कर दीजिए, सिख खतरे में है भी जी, हम एक काम करते हैं, सबको सारे इकट्ठे हो जाओ। मतलब क्या है कि मान लो हम 10 लोग हैं, हमारी आपस में लड़ाई चल रही है, अचानक से ऐसा मसला है कि हम ये कहें भी 10 के 10 खतरे में हैं, हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, तो हम 10 के 10 आपसे लड़ाई भूल के इकट्ठे हो जाएंगे। यही पैटर्न इस्तेमाल करना चाहा अभी अकाली दल ने, या SGPC ने, या जैसे भी, चलो जी 27 तारीख को सारे इकट्ठे हो जाओ, भी आपसे लड़ाई भूल जाओ। मतलब तरीका ये है अभी अकाली दल में, जो अकाली दल के बादल परिवार हैं या जो भी है, इनकी वापस से सिखिज्म में एंट्री कराई जाए। क्योंकि क्या है कि बरगाड़ी मसला होने के बाद, या कोटकपूरा और बैबल कलां गोलीकांड होने के बाद, बादल फैमिली को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं पंजाब में, लेकिन हम उनकी दोबारा सिखों में एंट्री करानी है। तो मतलब हम ये कहें कि जिस तरह से अकाली दल ने जरनैल सिंह भिंडरांवाला, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जो कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया, उनका इस्तेमाल किया, उसी तरह से अब अमृतपाल का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अमृतपाल आया, एक चेहरा बना, सबको इकट्ठा किया, सबको एक नया मुद्दा दिया, और उसके बाद वो गायब हो गया, और अब उस वैक्यूम को अकाली दल भरेगा। अब यहाँ पे क्या, अभी नैले पे दला, अब आम आदमी पार्टी को
क्योंकि पंजाब में है तो वो कामरेड से धर्म की पॉलिटिक्स राजनीतिक सीखनी पड़ेगी धर्म के नाम पे। उन्होंने बोला जी हम तो सिखों को रिहा कर देंगे वार्निंग देके। अब यहाँ पे जो 27 तारीख का एजेंडा है वो फेल होगा। मतलब क्या है कि 27 तारीख को लोगों को इकट्ठा करना एक कारण के लिए भी, कुछ हमारे साथ ज्यादती हो रही है सिखों के साथ भी, हम इकट्ठे हो जाते हैं इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है। अब वो ज्यादती कर कौन रहा है? सरकार। अब सरकार ने तो बोला हम छोड़ देंगे। फिर अब क्या जी, बंदे तो इकट्ठे कर लिए, मुद्दा भी दे दिया, लेकिन अब वो लड़ेंगे किससे? सरकार तो मानगी भी, हम तो 150-200 आदमी तो छोड़ देंगे, 15-20 जो बंदे मेन मेन हैं बस उनके ऊपर केस चलेगा, बाकी छोड़ देंगे वार्निंग देके। अब मसला क्या रह गया, अब इकट्ठे होंगे तो किससे लड़ेंगे? इधर से 25 तारीख का इन्होंने भी इकट्ठा बुला लिया, इनके पास तो 50,000 बंदा आएगा, इन्होंने 50 लाख बना देना देख लेना एडम ब्लॉक ने। और बकायदा मीडिया में बड़ी बड़ी हाईलाइट्स चलानी है, देखो जी हमारा 50 लाख 1 करोड़ बंदा आया। मतलब कहें जी 25 तारीख को एक शक्ति प्रदर्शन, 27 तारीख को दूसरा शक्ति प्रदर्शन। अब अगली राजनीति क्या है, भी इनको लड़ाना कैसे आपस में? तो मुद्दा कौन सा बच गया? बरगाड़ी कांड। या तो वो मुद्दा उठ जाएगा या यूपी वाला जो बकवास करके गया है पिछले 2-3 महीनों 6 महीनों में, उसमें से कोई ना कोई मुद्दा उठ जाएगा। अगर उसमें से नहीं मिला तो दोबारा लाएंगे आखिरी बार, भैया अब मुद्दा बना के जा भी, हमने भाई लड़ने के लिए फौज तैयार कर ली भी अब। लेकिन क्योंकि अब डेरा डेरा बन के नहीं लड़ेगा, अब ये होंगे हिंदू, तो भैया हिंदू इन, अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काम निकालना है अपना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी कहो आप, रूलिंग पार्टी को भी अपना काम निकालना है। वो क्या करेंगे, वो हिंदू इनसिक्योर करेंगे, मतलब एक तरफ से पंजाब के अंदर सिख खतरे में है और डेरा के जरिए बनाया जाएगा हिंदू खतरे में है, इधर से रविदास जी वालों ने मुद्दा चक दिया अपना अलग से, हालांकि वो तो चलो बोगस है, वो तो ज़्यादा चलेगा नहीं। पर इस सारे मसले में हर किसका नुकसान? रूलिंग पार्टी भी राजी, उसके साथ जुड़ी हुई धार्मिक संगठन भी राजी, सिख भी राजी, सिखों के जो अकाली दल वाले भी राजी, आम आदमी पार्टी का कोई बीच में खेल है ही नहीं, वो तो अपना वैसे ही एक उनको तो टूल बना के रख लिया एक तरह से इन्होंने। और इस सब में प्रबंधक भी राजी, मरेगा कौन? आप मेरे जैसे, आप जैसे आम लोग लड़ लड़ के। क्यों? सबका काम निकल गया, हिंदू खतरे में आया क्योंकि डेरे के 50-60 लोग मार देंगे या कुछ कर देंगे ऐसा भी, तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, उधर से सिख खतरे में आ जाएगा, आपस में लड़ा देना है। ट्रिगर क्या चाहिए? अब चाहिए ट्रिगर, और ट्रिगर देने के लिए क्या, यूपी वाला बैरूपिया काफ़ी है, वो कोई ना कोई कांड ऐसा कर जाएगा बीच में आके, या तो कर जाएगा या फिर पुराना किया कराया उठा लेंगे कोई ना कोई। इस सारी चीज़ें मिलजुल के कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आके आम आदमी आपस में लड़ेगा, और इस सब के बदले में किसी की पंजाब में सरकार बन जाएगी, किसी की हरियाणा में, किसी की सेंटर में। मसला यह है कि आप इन सब चीज़ों को समझ लें भी, ये सब हो क्या रहा है, और इस सब में और हो कुछ नहीं रहा है, अल्टीमेटली सारा खेल ऊपर राजनीति का है। और पिताजी क्यों बार बार बोलते थे भी, ये सब राजनीतिक ड्रामा है, उस राजनीतिक ड्रामे में सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। मीडिया जो आपको दिखा रहा है वो एक नरेटिव है जो उसको दिए गए पैसे के अनुसार सेट होता है भी। आप जैसे पंचकुला दंगा हुआ तो उसके बाद आपने देखा होगा एक नया नैरेटिव चल पड़ा, आराम रहीम के गुंडे गुंडे गुंडे। उस टाइम पे कई चैनलों ने डेरे को भी अप्रोच किया कि भैया हम ये सारा ऑनस हरियाणा सरकार पर डाल देंगे, तुम हमें पैसे दे दो, उनको तो पैसे मिले हुए हैं गुंडे बनाने के। लेकिन अब क्योंकि ये सारे पैसे दिए ही उनको, क्या पता था भी वो पैसे भी एडम ब्लॉक नहीं दिए हैं गुंडे बनाने वाले। तो इस तरह से ये सारा काम चल रहा है। अब आप इसको कैसे देखते हैं आपके हाथ में, लेकिन जितना आपके समझ में आया, हो सकता है कि कुछ लेट जुड़े हों, कुछ पहले जुड़े हों, कुछ आधा अधूरा सुन के चले गए हों, लेकिन आप इसको एक साथ सुनिएगा जो हमने आज डिस्कशन किया है। इस डिस्कशन में आप सुनो समझो कि असल में ये सब, हम सब टूल हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों चाहे कोई भी है, हम सब टूल हैं और अल्टीमेटली हमको मरना है। हमारी मौत उनकी सत्ता का टिकट है भी, उनको सत्ता मिलेगी तब जब हम मरेंगे लड़ लड़ के आपस में। तो अब ऐसे में क्या, अभी मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने एक लिख दिया, एक पोस्ट लिख दिया जी, ऐसा है भी, वो भी क्या हुआ पोस्ट, एक मेरा दोस्त है कोई डॉक्टर, वो फेसबुक पे है, तो उसने लिखा भी रमज़ान शुरू हो गया, मुझे तो नहीं पता था भी रमज़ान शुरू हो गया। उसने रमज़ान नहीं लिखा था, उसने लिखा भी भूखे रहने के क्या फ़ायदे हैं भी, भगवान की याद आती है भूखे रहने से। उसने ये लिखा था, नीचे लिखा रमज़ान मुबारक। अब मेरे को हमने लगा भी ठीक है चलो, 2-4 लोगों से पूछा भी यार क्या करें भी, हमारा तो अब तो गुरु से प्रेम है, गुरु की दर्शनों की इच्छा है, शिष्य को और चाहिए क्या?
पिताजी एक ही बात बोलते हैं ना, अभी 7 दीपों की दौलत इकट्ठी करके पूछा जाए, दौलत तो उस लेनी क्या है, प्रेमी नजर ना उधर घुमाए। प्रेमी को क्या चाहिए, सिर्फ अपने गुरु का दर्शन। तो हमारा एजेंडा तो गुरु के दर्शनों का है। जब हमने 4-5 लोगों से पूछा, अभी जैसे ग्रुप में जो भी ग्रुप्स हैं, अभी अब पूछा भी है क्या करें इसमें, मैं रमज़ान में आपा कुछ कर सकते हैं ऐसा, 20 महीना शुरू हो गया अभी, चलो कुछ ऐसा करें भी लोगों को लगे भी गुरु के प्रति प्रेम, अपना जाहिर करें या निभाएं एक तरह से, भी सामाजिक तौर पे भी एक ज्ञान का मसला और सब कुछ है। तो हमने एक पोस्ट डाल दिया कि चलो रमज़ान की तरह अभी रमज़ान वाले सुबह व्रत रखते हैं, अभी हमें व्रत तो रखना है, हमें तो मतलब और हम कौन सा रमज़ान के हिसाब से चल रहे हैं, हमें तो बस ये है कि भूखे रहना, भूखे रहेंगे तो भूख लगेगी और भूख की तड़फ को बंदा ईश्वर नाम जपने बैठ जाएगा, तो वही तड़फ पिताजी के लिए पैदा होगी भूख की जगह, और हो सकता है अभी पिताजी हमारी पुकार जल्दी सुन लें, एक कॉमन पैटर्न है। लेकिन उसके बाद क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, बोला जी नवरात्रे भी तो शुरू हो गए, भी हिंदू वर्ष शुरू हो गया है, डेरे ने भी हिंदू वर्ष की बधाई दी है। भी अगर डेरे ने हिंदू वर्ष की बधाई दी तो डेरे ने रमज़ान की बधाई क्यों नहीं दी, रमज़ान भी तो बराबर शुरू हुआ, रमज़ान की बधाई भी दे देनी चाहिए थी उन्हें। अच्छा हिंदू ही क्यों, मुसलमान डेरे में तो मुसलमान भी आते हैं, एक तरफ तो फोटो में डालते हैं जी मुसलमानों ने डेरे का दौरा किया, मुसलमान बंदे ने डेरे में शादी की, तो फिर मुसलमान के त्यौहार की बधाई क्यों नहीं है। चलो जी उन्होंने कहा जी आप नवरात्रे क्यों नहीं देखते, नवरात्रे में भी व्रत रखते हैं। बोला रख लो फिर, भाई हमें तो नवरात्रों से भी मतलब नहीं है, हमें तो रमज़ान से भी मतलब नहीं है, हमें तो बहाना चाहिए भी हम अपने गुरु से प्रेम कैसे निभाएं। लेकिन क्या है अभी अब अलग अलग एजेंडा क्या है जी, क्यों अब जो हिंदूवाद का जहर बीज के गया है ये यूपी वाला, अब वो जहर कहाँ काम करेगा, वो जहर निकलेगा ना बाहर निकल रहा है। अब जो उनसे ये जगरातों में गा गा के पैसे कमाते हैं उनको टेंशन है भी है, तो भैया मुसलमान धर्म प्रमोट करने लग गए। क्या है कि वो उन्होंने यही बात उठानी शुरू कर दी, भी आप तो मुसलमान धर्म प्रमोट करो, भी हमने क्या लेना मुसलमानों से, हमें मतलब नहीं हिंदुओं से, हमें मतलब नहीं सिखों से, हमारे को गुरु मिल गया उसने सारे धर्म में मानना सिखाया है, भी हमने तो अपनी पहचान नहीं बनाई, तुमने बना रखी है, तुम भुगतो। भी सबकी पहचान है ना, भी भुगतो। पिताजी ने बोला कुछ बनोगे तो फिर वो थोड़ी मिलेगा, या तो उसके बन जाओ या फिर अपने आप में कुछ बन जाओ। तो लोग अपने आप में बनने लग गए कि भैया हम हिंदू हैं, भैया आप मुसलमान अलग तरह से हैं जी, वो तो मांस खाते हैं रोज़ा तोड़ते टाइम, भैया हमें क्या पता वो क्या करते हैं, हमें कौन सा उनके रीति रिवाज याद है, हमें इतना पता है जी 1 महीना व्रत रखते हैं वो, उसमें क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। अब यहाँ तो ऐसे हिंदू धर्म में व्रत रखो तो पूरा हिंदू धर्म का तो मेन्यू है, व्रत का भी मेन्यू होता है, अभी व्रत में ये चीज़ें खा सकते हैं। पिताजी ने तो चलो व्रत सिखाया, अभी कुछ भी नहीं खाना, गुनगुने पानी पर रहना है, और क्योंकि अब हर रोज़ तो 24 घंटे व्रत रख नहीं सकते हम, तो बेटर है अभी चलो 15-15 घंटे आदत रहेगी, थोड़ा घंटा सुमन कर लिया करेंगे इसी बहाने, सेहत भी ठीक हो जाएगी, वैसे भी है सबको बढ़िया है, प्रेम भी पैदा होगा, आदत भी। अपने पिताजी भी कहते थे भी दिन ढलने से पहले खाना खा लो, ये सारी चीज़ मतलब है। लेकिन क्या है कि असल में क्या है, हम आइडेंटिटी क्राइसिस पे दौड़ रहे हैं, भी गुरु के प्रेम में चलने वाले व्यक्ति को मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, उसको तो हर तरीके से अपने गुरु से प्रेम पाना है, उसे क्या मतलब है अभी हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, सिख क्या कर रहा है, ईसाई क्या कर रहा है। गुरु से सच्चा प्रेम हो, उसके शिष्यों से प्रेम हो, उसकी संगत से प्रेम हो, उसके बच्चों से प्रेम हो। प्रेम क्या है भी, हर आदमी का भला मांगना। अब मान लो सिख नेता कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो सिखों को एक जंग में धकेलना चाहते हैं, वो अमृतपाल के जरिए हो, वो बादल के जरिए हो, वो अकाल तख्त के जरिए हो, वो SGPC के जरिए हो, वट एवर जो भी वो प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू के लीडर जो भी हैं वो एक स्टेज पे आके हिंदुओं को एक जंग में धकेलना चाहते हैं, वो इनसिक्योर बनाना चाहते हैं, इनसिक्योर बनेंगे तो वोट देंगे। ऐसे मुस्लिम लीडर भी करते हैं, ऐसे क्रिश्चियन का पता नहीं मुझे, लेकिन तीनों तो हम ऑब्वियसली देखते रहते हैं। इस सब में भगवान किसको चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। त्यौहार भी एक राजनीति का मसला है, भी त्यौहार आया है, अब कौन सा नेता कौन से त्यौहार को कितने जोर शोर से मनाएगा, इससे साबित होगा कि वो धर्म का कितना बड़ा भगत है, और उसकी उसके हिसाब से उसको वोट मिलेगा उस धर्म के लोगों का। उसको कोई मतलब नहीं है भी धर्म में उसको भगवान की रहमत चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकली समझनी है, गुरु के शिष्य का कोई धर्म नहीं है, लेबल धर्म का लेबल नहीं है, धर्म उसका एक ही है। पिताजी ने बोला परोपकार धर्म है, इंसानियत हमारी जात है, दूसरे पे उपकार करना, दूसरे पे हर जरूरतमंद दुखी व्यक्ति की मदद करना नेक काम के लिए और नेकी के लिए, यही धर्म है। सिर्फ एक सत्संगी का, उसे देखना नहीं है अभी वो छोटी जात का है कि बड़ी जात का है,
या छोटे धर्म का है, बड़े धर्म का है, या किस धर्म का है, हिंदू है या मुस्लिम, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। दूसरा क्या है भी उसका मतलब क्या ना, प्रेमी परवाना होता है, वो तो मस्ताना होता है भी, उसे तो सिर्फ गुरु का प्रेम पाना होता है, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। लेकिन क्या है कि जब आप आइडेंटिटी क्राइसिस में घूम जाओगे तो फिर हम ओरिजिनल मिशन से भटक जाएंगे भी, हमारा मुद्दा ही नहीं है ये, हमारा मुद्दा ये, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं भी, हम ये जो पॉलिटिक्स भी है ये सिर्फ इसीलिए बताते हैं कि हम आपस में लड़ना पड़े एक स्टेज पे आगे, हमें इस टॉपिक में घुसना नहीं है, इस टॉपिक के जरिए जो हमारे साथ खेल खेला जा रहा है उस खेल को समझना है बस, ताकि हम उसका उसके मोहरे ना बन जाएं। इसका मतलब ये नहीं है भी इसमें कूद के हम भैया सिखों को जाके समझाने चले जाएं, भैया तुम ये ना करो, या हम उसको लेके कोर्ट में पहुंच जाएं भी, ऐसा जी सिखों में ये हो रहा है, जी हिंदुओं में ये हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मसला सिर्फ इतना है कि लोग आपस में लड़े ना, और क्योंकि हमारे गुरु ने सबसे प्रेम करना सिखाया भी, एक किसी से भी नफरत नहीं करनी भी, सबसे प्रेम करना है। लेकिन क्या हमें ये नहीं भी हमें अमृतपाल से भी नफरत है, देखियो कम उम्र का बंदा है, 29-30 साल का बंदा, 28-29 साल में जो भी है, और उसको नई पॉलिटिक्स की नॉलेज, विदेश में चला गया कम उम्र के अंदर, 10 साल पहले वो विदेश चला गया, उसको नहीं पता इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स कितनी घटिया है। लेकिन क्या है धर्म के नाम पे उसको 4 ग्रंथ पढ़ा दिए, 4-5 वीडियोस दिखा दिए होंगे, उसको जोश आ गया भी मैं अपने धर्म के लिए कुछ करूं, और उसको किस तरह से मोहरा बना के आज इस्तेमाल कर लिया। और एक तरफ न्यूज़ आती है भी जो व्यक्ति, जो बच्चे उसके आसरे चल रहे थे, जो बच्चे जिनको वो नशा छुड़ा रहा था, आज उनको खाने के लाले पड़ गए, तो अब उन बच्चों का क्या कसूर है? चलो वो कुछ भी कर रहा था लेकिन अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा था, वो अलग बात है कि पॉलिटिशियन उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब उसकी जो लैंग्वेज है वो उसका आउटरेज है, जो उसको वीडियोस दिखा के अलग अलग तरीके से उसके ब्रेन में भरा गया, अब वो किसने भरा ये अभी सवाल है। लेकिन जवाब देने वाले कहेंगे जी ISI ने भरा, बब्बर खालसा ने भरा, दुबई वालों ने भरा, नशा माफिया ने भरा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यही चल रहा है। पर इस सब में ये थोड़ी अभी हम कह रहे हैं भी अमृतपाल से नफरत करो, हम ये कह रहे हैं भी ठीक है हर एक आदमी है, पर लेकिन जो एजेंडा है वो चल रहा है उस एजेंडा को समझो। पिताजी एक ही बात बोलते हैं ना, हिंदू बुरा है ना सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर आया वो जो बुराई पे उतर आया वो इंसान बुरा है, इंसान बुरा है जो बुराई पे उतर आया, ना कि कोई धर्म बुरा है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अमृतपाल को सिख आइडेंटिटी बना के सिखों को बुरा कहना शुरू कर दें, और किसी को हिंदू आइडेंटिटी बना के हिंदुओं को कहना बुरा शुरू कर दें। मतलब ये आइडेंटिटी क्राइसिस में एटलीस्ट अगर हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का कैंपेन चला रहे हैं, भी इस कैंपेन में आप अपनी आइडेंटिटी को अपने जेब में छुपा के रखें कि हम हिंदू हैं, हमें नवरात्रों में प्रेफर करना है या रमज़ान पे प्रेफर करना है, हमें इस आइडेंटिटी के क्राइसिस में जाना नहीं है। रमज़ान कोई बुरी चीज़ नहीं है, उनके गुरुओं ने सिखाया होगा कि भैया 1 महीना भूखा रहो, और उस रमज़ान की सिर्फ ये वैल्यू नहीं है कि सिर्फ भूखे रहना है, रमज़ान के महीने में वो लोग आपस में नहीं लड़ते, रमज़ान के महीने में वो कोई भी दुश्मनी है उसको भुला देते हैं, वो कोई भी गलत काम की ओर प्रेफर नहीं करते, वो कोई भी नशा करना पसंद नहीं करते उस 1 महीने में। तो क्या हो सकता है उनके गुरुओं ने भविष्य को देखते हुए, कलयुग को देखते हुए ये तरीका तय किया हो भी 1 महीना लोग भूखा रहेंगे, आपसी लड़ाइयाँ भूल जाएंगे, भगवान को याद करेंगे भूखे रह के, तो हो सकता है दिमाग शांत हो जाए, जब शांत हो और महीने बाद जब वो ईद मनाएंगे तो वो सबके गले मिलेंगे, गले मिलने के बाद हो सकता है वो पुरानी दुश्मनियाँ भूल जाएं, नवे सिरे से ज़िंदगी शुरू करें, उनके अंदर जो तनाव है वो ख़त्म हो जाए। तो पॉजिटिव पॉइंट भी तो है, 1 महीना अगर कोई व्यक्ति हर रोज़ भूखा रहेगा कुछ समय के लिए, या 12-15 घंटे 20 घंटे भूखा रहेगा, और भूखा रह के करेगा क्या, खाना उसने खाना नहीं, तो उसका उसकी ध्यान कहाँ जाएगा, यार भूखा तो हुई भगवान को याद कर ले। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, वो तो दिखता नहीं किसी को। नवरात्रों में भी है, ठीक है आप भूखे रहो, लेकिन अगर भगवान को याद ही नहीं करना है, भूखे रहना सिर्फ आपको ये साबित करना है भी आप कितने बड़े कट्टरवादी हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बने रहो, किसको दिखा रहे हो, सुन कौन रहा है, मतलब मैं एक बहुत बड़ा कट्टरवादी हूँ इसका सर्टिफिकेट दे के एक्नॉलेज कौन कर रहा है इसे, एक ऐसा बंदा जो मेरे कट्टरपंथी को एक दंगे में इस्तेमाल करना चाहता है, उससे सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। क्या कि ये अपनी मतलब यूं ही तो पिताजी बोलना, हस्ती सिर्फ गुरु की है, हस्ती सिर्फ ईश्वर की है, सच्चे संत की है, सतगुरु की है, हर धर्म में लिखा है, हस्ती और किसी की नहीं है। अगर आप हम अपनी हस्ती बनाने निकल गए ना तो ये सब खत्म है। हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जरिए किसी का चेहरा एस्टैब्लिश करना है भी, यार ये बंदा जेन्युइन है और ये बंदा जेन्युइन नहीं है। हनीप्रीत क्या है भी, हनीप्रीत को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो भी हनीप्रीत इस सारी बुराई का चेहरा है, बीस जितनी भी बुराई
राम नाम के खिलाफ जितना भी सारा प्रोपेगेंडा चला है, चल रहा है, और राम नाम पे रोक लगाई, उसका सबसे बड़ा मोहरा हनीप्रीत है, और जो सबसे ज्यादा गलत काम कर रही है। इसलिए हनीप्रीत उस बुराई का प्रतीक है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी प्रतीक हम कहते हैं बुराई की प्रतीक है। बुराई का प्रतीक कोई तो बनता है, औरंगजेब बुराई का प्रतीक बना, रावण प्रतीक बना, तो आज के देश में, आज के स्टेज पे कौन बनेगा? गंगू ब्राह्मण बना, मंथरा बनी, केकई बनी, केकई को नहीं कह सकते, मंथरा को तो कह ही देते हैं बनी, लेकिन चलो उन्होंने तो माफ़ी मांग ली बाद में, पर जिनको माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला, जिन्होंने मतलब मुगल शासन में बना, ऐसी आज की डेट में हनीप्रीत है। और जो आज के सत्ताधारी हैं, जो सब कर रहे हैं, कल को बादल भी बनेगा, नरेंद्र मोदी भी बनेगा, मनोहर खट्टर भी बनेगा, कोई दो राय नहीं है। उनके राज में भक्तों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, तो वो कौन सा अमरपट्टा लिखवा के आए, भी मरेंगे ही नहीं, तो कल को उनका भी बनेगा। लेकिन ये सारी चीज़ों से हम किससे सर्टिफिकेट मांगने दौड़ रहे हैं, और किसको दिखाना चाह रहे हैं कि हम हिंदू हैं? अपने इर्द गिर्द रहने वाले 40-50 लोगों को कि भाई हम हिंदू हैं, देखो जो हमारे साथ खड़ो। फिर गुरु ही की उदाहरण किया, गुरु तो हमारा दो जहाँ का बादशाह है, पर हमें 4-5 हिंदू नेताओं से अगर सुरक्षा चाहिए, हिंदू नेता हमारे को सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, तो फिर दो जहाँ के बादशाह से दोस्ती करने का क्या मतलब है? तो मसला सिर्फ इतना है कि हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का जब कैंपेन जुड़ते हैं, और जो मेंबर जुड़ते हैं, उनके लिए अपनी खुद की कोई हस्ती नहीं है, हमारी हस्ती है ही नहीं। अगर मान लो हम कोई सफाई अभियान कर रहे हैं, या कोई भलाई काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, इसमें सिर्फ गुरु की महिमा है भी, हम अपने गुरु के सिखाए हुए निर्देश अनुसार कर रहे हैं, हमने नहीं किया, गुरु के आदेश की पालना की है, तो महिमा गुरु की है, ना कि खुद की है। तो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी के लिए नहीं दौड़ना है, मैंने किया जी, मैंने इंटरव्यू देना जाके देखो जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे तो वहाँ गुरु की हस्ती नहीं है। तो यूं ही नहीं लिख दिया कबीर साहब ने भी, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुनाना कान। भी या तो प्रेम रस को चख लो, या फिर मान, अपना सम्मान मतलब अपनी पहचान रख लो, अपना अहंकार रख लो। और जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती, वैसे एक शरीर में खुद की हस्ती और भगवान की हस्ती एक साथ नहीं आती। तो बेटर है हम करते हैं, हमारे गुरु की हस्ती बड़ी है, हमारी कोई हस्ती नहीं है। तो ये चीज़ आपको रखनी है, किसी को अजीब लगता है, बुरा लगता है, तो क्या है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और इम्प्रूव करना भी चाहिए हर रोज़। मैं भी हम इम्प्रूव कर रहा हूँ, हर कोई बंदा अपने आप को इम्प्रूव करेगा, लेकिन किस लिए? अल्टीमेटली गुरु का प्रेम पाना है। अगर यही सारी कमियाँ ना होती हमारे बीच में, तो फिर गुरु हमारे से दूर थोड़ा ही होता था। दूर हुआ ही इसीलिए क्योंकि हमने सब कुछ गलत किया है, हमने अपने गुरु की नहीं सुनी। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी, हो सकता है आपके लिए कुछ फ्रूटफुल हो। आज हमने डिस्कशन की है, तो हम प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई सामने आए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो, भी अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, और सब आपस में प्रेम से रहें, जितनी भी बुराइयाँ हैं, ठगी बेईमानी सब खत्म हो जाए, और हजूर पिताजी हमारे बीच में जल्दी आ जाएं। तो इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सत्संग जी, हमारा 9:30 से 10 बजे तक के बीच में 15 मिनट का फिक्स नाम जपने का सुमरण होता है, और कई बार विदेश के लोग पूछते हैं जी हम कब करें, तो आप उसके हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, अभी 9:30 से 10 बजे के बीच में रात में, जो आपके विदेश में जो समय, जो भी समय होता है, क्योंकि हम सोचते हैं भी इकट्ठे किया जाए, क्योंकि ये कहा जाता है भी जन की अरदास, जो सारे मिलके अरदास करते हैं, वो अरदास भगवान के दरगाह में जल्दी कबूल होती है, वो उसका एक श्लोक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जनता की जो सबकी अरदास होती है, तो सबकी एक ही अरदास है भी, गुरु शिष्य की तो सिर्फ एक ही मांग होती है, उसको उसके गुरु के दर्शन हो जाएं, इससे ज़्यादा हमें कोई अरदास है नहीं। तो आप 9:30 से 10 बजे का 15 मिनट का समय हमारा फिक्स है, आगे पीछे बढ़ाना चाहें आप, 9:30 से पहले शुरू करके 10 बजे के बाद रखना चाहें तो वो कर लें, और इसके अलावा जो हमारी बात से सहमत हों वो शाम को 6 बजे के बाद डेली, जब तक ये लगभग एक महीना चलता है, 29 अप्रैल तक हम ले लेंगे, चलो 29 अप्रैल हमारा स्थापना दिवस है, तब तक लेते हैं। तो आज कितना 23 तारीख है, आज शहीदी दिवस है, तो 23 तारीख से 29 अप्रैल तक
29 अप्रैल को तक हम ये जारी रखेंगे। 29 अप्रैल को हम हमारी ईद मना लेंगे, मतलब हम एक तरह से अपना स्थापना दिवस होता है, तब तक हर रोज शाम को 6 बजे के बाद से सुबह 8 बजे तक लगभग हम कुछ भी चीज़ खाएंगे पियेंगे नहीं सिवाय गुनगुने पानी के। तो इससे हो सकता है सेहत भी फ़र्क पड़ जाएगी, मेरे जैसे भी तो ठीक हो सकती है, हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है, और बाकी आपको भी घर में हो सकता है कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो, और मालिक की याद भी आएगी, प्रेम भी बढ़ेगा, सब काम एक साथ हो जाएगा। तो खैर ये सब हम करेंगे। और इसके अलावा जो मसला था रविदास जी वाला, उस मसले को लेकर हमारे पास बहुत सारे एविडेंस आ गए कि जो ये कहानी है, ये कहानी का इतिहास कहाँ लिखा हुआ है, तो वो टेक्स्ट बुक भी हमें मिल गई है इतिहास की। तो अब सब कुछ मिल गया, तो अब हम जो यमुनानगर में हुआ था उसको लेके हम कार्रवाई प्लान कर सकते हैं कि यमुनानगर में जो घटना घटी थी उसको लेके जो FIR प्लान करें या जो भी कंप्लेंट प्लान करें। और करनाल में और अभी हाल ही में अम्बाला के आसपास एक होना है 24 तारीख को, कल, तो उसको लेके सब चीज़ें ये प्लान करके जितने भी लोगों ने प्रदर्शन किया है इन सब के खिलाफ़ अलग अलग जगह पे FIR दर्ज करवाएंगे। तो जो भी आप लोग इसमें सहयोग करना चाहें, बिना पैसे के, पैसा नहीं देना है, तो आप सहयोग करना चाहें तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहिएगा, जैसा भी स्ट्रेटजी बनेगी वैसा आपको बता देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।